आज प्रदेश के जाने माने पूर्व सपा विधायक हाजी शमीमुल हक का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो दिल की बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन अंतिम समय में उनको ब्रेन हैमरेज होने से उनकी मौत हो गई, जिनको उनके पैतृक गांव पीपलसाना जनपद मुरादाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। पूर्व सपा विधायक हाजी शमीमुल हक एक बेहतरीन नेता के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। अपने पीछे दो पुत्र और दो बेटियों को छोड़ गए हैं। पूर्व विधायक हाजी शमीमुल हक मुरादाबाद की विधानसभा 27 से दो बार इलेक्शन जीते और लगातार लोगों की खिदमत को अंजाम देते रहे। पूर्व विधायक हाजी शमीमुल हक का राजनीतिक सफर अनेक कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि इन्हीं के बड़े भाई रिजवानुल हक पहले 3 बार विधायक रहे, फिर भतीजे उस्मानुल हक 1 बार विधायक इसी विधानसभा से रहे। ऐसे में बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य की मौत से प्रदेश की राजनीति में अपूर्ण क्षति हुई है। आज विधानसभा 27 में हर तरफ कोहराम देखकर ही अंदाजा लगता है कि राजनीति को समाज की सेवा मानने वाले पूर्व विधायक यकीनन अपने काम के दम पर लोगों के दिलों पर राज करते थे। आज परिवार के साथ साथ पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया है। अपने नेता को देखने की होड़ के कारण आम और खास लोगों की भीड़ क्षेत्र की बढ़ती जा रही है, लेकिन क्षेत्र के ही अनेक लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए ही पूर्व विधायक शमीमुल हक जी का अंतिम दर्शन कराने की अनुमति दी है। हर लोगों को रोका जा रहा है ताकि सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा सके। आज बड़े दुख की बात है कि हम सबके हर दिल अजीज हाजी शमीमुल हक साहब के इंतकाल की खबर ने मेरे दिल पर एक गहरा असर किया है। मरहूम से मेरे जो ताल्लुक थे उसका बयान करना इस वक्त मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शमीमुल हक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनकी खिदमतें और उनके अखलाक और उनकी मोहब्बत और अवाम में उनकी मकबूलियत ऐसी है कि अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ तो एक किताबचा तैयार हो जाए। लिहाजा इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी किस तरीके से उनके बारे में बयान करूँ। बस सिर्फ इस वक्त मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके साथ मेरे सफ़र भी रहे और हज़रत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह में वो मेरे पास आया करते थे और उनकी कई हाज़िरियाँ हुई और मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते थे। उनके साहबजादे उनके बेटे भी मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। और एक ऐसा तकलीफ दे वाक़िया है कि बहुत ज़माने तक उनकी कमी को हम महसूस करते रहेंगे और उनकी कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मरहूम के बारे में आज भी नमाज मगरिब के बाद मैंने इसाले सवाब किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये कहना चाहूँगा कि 2 बार ये चुनाव जीते हैं, एक बार सन 2002 में, एक बार सन 2012 में। दोनों भारी बहुमत से जीते हैं। पब्लिक ने इन्हें अच्छा नवाजा, जिससे पब्लिक भी बहुत प्यार करती थी, ये खुद भी स्वयं प्यार करते थे। पब्लिक भले आदमी थे, सज्जन आदमी थे, कोई ये नहीं कि साहब किसी तरह का वैसा हो। पब्लिक के काम करते थे, जनता के जब काम करते थे तो जनता आज भी इन्हें इस घर को चाहती है। टिकट ना मिलने की वजह से जो है अपना ही नहीं लड़े इस बार चुनाव। अब जहाँ रहा सवाल इनका इस बात का कि इनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तबीयत ख़राब क्या रहती थी, इनकी डिबिया पड़ी थी। डिबिया पड़ने के बाद में जो है इन्हें काफ़ी बुरा है। अब इनकी कई दिन बुरा है बुखार इन्हें, जिसकी वजह से इनकी नस फट गई थी दिमाग की। इस देश पर जो है ये ख़त्म हुए और मैं दुआ करता हूँ इनके घर वालों को और सबको और पूरे क्षेत्र की जनता को, जो कि वो अपने आप को सब्र से काम लें। अब जो होना था अल्लाह ने जो करा लिखा वो हो गया। बाकी मेरी यही अपील है कि क्षेत्रीय जनता से, पूरा क्षेत्र शोक में डूबा है, क्योंकि पूरा क्षेत्र प्यार करता था, बेपनाह प्यार करता था। आज उसी चीज़ का ये देखने मिल गया कि जो पूरा क्षेत्र शोक से डूबा है। कितनी उम्र थी लगभग इनकी? लगभग इनकी 66 वर्ष। परिवार में कितने लोग हैं, क्या बेटी क्या बेटा? परिवार में 2 बेटियाँ 2 बेटे। देखिए, इस विधायक जी के इंतकाल की सूचना सुबह मिली और बहुत दुख हुआ जब ये सूचना मिली, क्योंकि विधायक जी से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत काम करने के तरीके सीखे। यहाँ पर जितनी भी देहात विधानसभा में जिन लोग हैं,
सब विधायक जी से लगाव रखते थे। हम लोग भी आते थे अक्सर अपनी कोई समस्या लेने के, परेशानियाँ जो भी थी जनता की, तो जनहित के लिए हमेशा वो खड़े रहे। आज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला मुकाम दें, और ये भी दुआ करते हैं यहाँ के सभी लोगों से कि आज जैसे विधायक जी नहीं रहे तो जिस तरीके से कार्य हमेशा वो जनता के बीच में रह के करते थे, उसी तरीके से लोग सीखें और अपनी आवाम की जितने भी लोग हैं ख़ास तौर से देहात में उन लोगों की मदद करें, जिससे कि विधायक जी की जो नीतियाँ, जो सोच, जो तरीका था, जो सरल व्यवहार था उनका लोगों के लिए। विधायक साहब जो है प्रदेश की राजनीति के बहुमुखी प्रतिभा के सामने बड़े नेता थे। प्रदेश में एक अलग पहचान थी इस घराने की। माननीय मरहूम विधायक रिजवानुल्लाह साहब, उनके बाद विधायक शमीउल्लाह साहब, विधायक उस्मानुल्लाह साहब, एक ही परिवार के रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय नहीं बल्कि प्रदेश में एक अलग पहचान रखते थे। बहुत लोग मोहब्बत करते थे, लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की जान थे आप। आपने बड़े अच्छे काम किए। आज देहांत इंतकाल होने के बाद हम सब स्तब्ध हैं। लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है माननीय विधायक जी ने, लेकिन कभी भी जनता को एहसास नहीं होने दिया कि मैं तकलीफ़ में हूँ। हमेशा पब्लिक के काम आए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने को, मौत उसकी है जिसकी करे ज़माना अफसोस। आज हमारे बीच हमारे शमीउल्लाह साहब नहीं रहे, और ऐसी सरल ज़िंदगी थी और सादगी भरी ज़िंदगी थी कि वो जब शहर में चलते थे तो लगता नहीं था कि वो विधायक है। वो आम जनता की तरह, आम जनता के दिलों पर राज करने वाले थे। हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं।